लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 2 साल के कोरोना काल के बाद आज पहली बार केदारनाथ धाम के पट खुले हैं। बाबा के दर्शन के लिए इंतजार खत्म हो गया। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई। इसके बाद आज सुबह धाम के कपाट खुल गए। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर भारी तादाद में श्रद्धालु। बाबा के कपाट आज खुले, लोग वहां भारी तादाद में उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। भोले के द्वार, भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि सीएम धामी भी इस बीच पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। उन्होंने भी वहां पहुंचकर दर्शन किया वहां, क्योंकि आज का दिन आप समझिए 6 महीने के बाद कपाट खुले हैं। ऐसे में भक्तों के लिए आज का दिन कितना बड़ा होगा अंदाजा लगाइए। कल शाम को पहुंची थी बाबा केदार की डोली और इसके बाद हजारों की तादाद में आपको यहां पर लोग नजर आ रहे हैं, भक्त नजर आ रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे थे जब कपाट खुले। अब श्रद्धा लोगों की ये कि जिस दिन पहले दिन कपाट खुले उसी दिन ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और लोग दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि सीएम धामी भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी दर्शन किया। भोले के द्वार पर आप देखिए भक्तों की दाता यहां पर लगा नजर आ रहा है। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आ रहे हैं। तो बाबा का कपाट जो है, केदार का कपाट, वो खुल चुका है। एक बार फिर से रौनक वहां लौटी है। भक्तों की भारी तादाद आस्था में डूबी हुई नजर आ रही है। मान्यताएं यहां अनूठे हैं। यहां सभी अनुष्ठान कन्नड़ में होते हैं, आपको बताएं। मुख्य पुजारी भी कर्नाटक के होते हैं। शैव लिंगायत विधि से यहां पर पूजा पाठ होती है। तो केदारनाथ धाम मान्यताओं के अनूठे रंग क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग रंगों में यहां बाबा दर्शन देते हैं और इन्हीं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का यहां पर संगम नजर आता है। बाबा केदार की गद्दी पर रावल होते हैं और बताया जाता है ऐसा कि रावल का ताल्लुक कर्नाटक से है।